डियर फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास का साइंस का कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अभी अभी आए हैं, तो इनको मैं आपको बता देता हूँ। फटाफट इन क्वेश्चन पेपर्स को देख लें एक बार, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने हिसाब से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, और यहाँ पर जो ये किसी ने पेपर सेंड किया है ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं, वन मार्क के क्वेश्चन में आया है, डिफाइन प्योर सब्सटेंस गिविंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर उदाहरण दे करके शुद्ध पदार्थ को परिभाषित करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अपकेंद्रीय विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है, एक वन वर्ड आंसर है, समझ लीजिए। इसके आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी अभी ये क्वेश्चन पेपर आया और अभी समय कम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, गिव फोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणों के चार उदाहरण आपको देने हैं। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है। इसके बाद आते हैं टू मार्क्स के जो क्वेश्चंस बताए गए हैं इसमें, देखिए राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु के बीच में चार अंतर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर थ्री मार्क्स से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपको इसी तरह थ्री मार्क्स में आए, फोर मार्क्स में भी आ सकता है, टू मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े नहीं लिखने आपको। राइट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, तो इसका सोल्यूशन मैंने दिया है, मिश्रण और यौगिक में अंतर, पिछले वाले वीडियो में जो कल मैंने अपलोड किया था साइंस का, उसमें इसका आंसर मैंने दे दिया है। फोर्थ मार्क का क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट फोर कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडी विलयन के चार गुणधर्म आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देखते हैं, दसवां क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द सेपरेशन टेक्निक बाय विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, और बटर फ्रॉम कर्ड, और एलम यानी कि फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, और उसके बाद में ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये कैसे पृथक करेंगे आपको बताना है। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है, पृथक्करण तकनीक का नाम दीजिए जिसमें से निम्नलिखित मिश्रणों को अलग किया जाता है। तो अलग कौन कौन से विधि से किया जाता है ये आपको बतानी है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों के पृथक करने में कौन सा विधि जो यूज़ होता है, इन चारों विधियों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं वन मार्क के क्वेश्चन जो हैं, मिश्र धातु का एक आपको उदाहरण दे, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अलोए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण के कणों को पृथक किया जाता है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, नेम ए सब्सटेंस विच शोस द टिंडल इफेक्ट, एक पदार्थ का नाम लिखिए जो टिंडल प्रभाव दिखाता है। आपका SST का भी क्वेश्चन पेपर अभी आने वाला है, उसको भी मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, व्हाट इज़ टिंचर ऑफ आयोडीन, इसका भी मैंने आंसर दिया है, आप देख सकते हैं, यानी कि आयोडीन को अल्कोहल में मिलाने से टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सॉल्वेंट इन एयर, वायु में विलयक क्या है। टू मार्क क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मेटलॉइड्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स, उपधातु क्या है, दो उपधातुओं के उदाहरण आपको देने हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, घुलनशीलता क्या है, और दो घुलनशील पदार्थों का नाम आपको बताना है। थ्री मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आठवां जो क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 350 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, एक विलयन में 350 ग्राम विलयन जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। बड़े क्वेश्चन की बात करें, गिव रीज़न करने हैं आपको, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, लेमन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर, और कॉमन साल्ट इज़ ए कंपाउंड, इसके कारण आपको देने हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में इसका लिखा गया है। दसवां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या है, राइट द टू एप्लीकेशन ऑफ क्रोमोग्राफी और उस क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इसके बारे में भी मैंने आंसर दिए हैं दूसरे वीडियो में जो कल बनाया था, उसको आप ज़रूर देख लेना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर आते हैं आपका जो मोशन चैप्टर है वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन, गिव इट्स एन एग्जांपल फॉर टाइप ऑफ मोशन, इसके टाइप के उदाहरण से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर टू आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी अभी आया है और मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। व्हाट इज़ रिटार्डेशन, मंदन किसे कहते हैं, मंदन के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने समझाया है पिछले वीडियो में जो कल शाम को अपलोड किया था, आज सुबह अपलोड किया था। और डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको बताना है, एक समान और समान गति को परिभाषित करना है। व्हाट व्हाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप, बस की छत पर रखी वस्तु को रस्सी से बांधा जाता है, कारण दीजिए क्यों बांधा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डज ए क्रिकेट फील्डर पुल्स हिज हैंड बैक वाइल कैचिंग ए फास्ट कमिंग बॉल, जब एक गेंद को एक क्रिकेट लपकता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, इसका आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, ए कार इज़ रनिंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड्स अप्लाइंग ब्रेक इट्स वेलोसिटी ऑफ कार कम्स डाउन 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है आपको यहाँ पे कार का त्वरण जो है बताना है। सातवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। दूरी तो आपको पता ही है क्या होती है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक टोटल की गई दूरी को दूरी कहते हैं, और विस्थापन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है इसके आंसर सभी के ज़्यादातर आंसर्स मैंने पिछले वीडियो में यानी कि जो सुबह अपलोड किया था उसमें दिया है। आठवां क्वेश्चन है राइट द 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों गति को लिखने हैं आपको, गति आपके नियम पढ़ लेना। नाइन्थ क्वेश्चन है गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, इसका बता दिया था मोमेंटम इक्वल्स टू p इक्वल्स टू m / m × v होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और राइट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट आपको बताना है। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ बताना है। संवेग के लिए सूत्र, संवेग का एसआई मात्रा, संवेग का संचारण का नियम मैंने यहाँ पे बता दिया था इन क्वेश्चंस को, और आपने इनका आंसर जो है अगर सुबह वाली वीडियो देखी है तो देख चुके होंगे। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या है यानी कि जड़त्व क्या है, विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, गति का कौन सा नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, और तीसरा है ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी द इनर्शिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट डिपेंड, किस भौतिक राशि पर किसी वस्तु का जड़त्व जो है निर्भर करता है, ये आपको बताना है। इसमें फिर से और थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे बता दिया गया। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग को परिभाषित कीजिए, एक समान त्वरित गति के दो उदाहरण आपको देने हैं। उसके बाद व्हाट इज नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, दूरी समय जो ग्राफ है वो एक गतिमान एक समान और असमान गति के लिए जो है आपको प्रकृति है वो कैसी होगी, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो चौथा क्वेश्चन जो इसमें है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मेजर्स, ऑडोमीटर गाड़ी का क्या नापता है, ये भी मैंने आपको बताया है ऑडोमीटर क्या नापता है। इसके बाद में ऑडोमीटर के बाद में आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट कम्स कम्प्लीट्स एन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 210 m/s, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। तो एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 210 मीटर है एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे हिंदी में समझ लेना, 40 सेकेंड में वो कंप्लीट करता है, और तो ज्ञात करना है कि वो 20 सेकेंड में कितनी दूरी और विस्थापन दोनों यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी तय करेगा, ये आपको बताना है। इसके बाद आते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो राइट 2 मेजर्स डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के दो प्रमुख अंतर आपको बता चुका हूँ मैं, आप पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इस स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हावर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि एक उपग्रह जो है 42250 किलोमीटर की त्रिज्या की वर्ताकार कक्ष में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो यहाँ पे लिखना है TTO, तो उसकी चाल का परिकलन आपको करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8वां, राइट द इक्वेशंस फॉर मोशन, ये इक्वेशंस है इक्वेशंस, ठीक है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, गति के लिए समीकरण आपको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग में आपको अंतर बताना है। उसके बाद में
व्हाट इज एक्सेलरेशन इफ ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस कवर बाई द व्हीकल या कार, यानी कि आपको जो है त्वरण क्या है ये बताना है। यदि एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान प्राप्त कर लेती है तो ज्ञात करना है त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी अभी आए थे, मैंने आपको बताया, और आपके SST के क्वेश्चन भी मैं अभी अभी आपके जल्द से जल्द जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अपलोड कर दूंगा, उनको भी आप देख सकते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए, आपका जो टेस्ट है वो अच्छा हो, और ये सारे क्वेश्चंस आपके मेन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसको ये जो क्वेश्चन जिसने भेजा है बहुत अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं जो अक्टूबर में आपके असाइनमेंट में भी आ सकते हैं। यानी कि मैं ये कहूँगा कि आप चैप्टर ज़रूर पढ़ें, इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ पढ़ें। ये क्वेश्चंस लगभग आपके चैप्टर को कवर करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ें साथ ही साथ। जो मैं बता रहा हूँ कि ये मेन एग्ज़ाम जो आपके होंगे फाइनल एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उनमें भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से देख लेना, आने वाले टाइम में इसके सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा, अभी समय की कमी है इस वजह से मैं केवल आपको ये क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।